हरियाणा की जमीन को खेलों की जमीन कहा जाता है, लेकिन हरियाणा की लड़कियों ने कई बार साबित किया है कि हरियाणा खेलों के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल रहा है। आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में सोनीपत की रहने वाली अनु कुमारी नाम की लड़की ने नंबर 2 रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि हरियाणा की लड़कियां हर वर्ग में लड़कों से आगे हैं। एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहा और खुशियां मना रहा यह परिवार सोनीपत का रहने वाला है, और आज इसके लिए ये बेहद खास दिन है। इस परिवार की बेटी अनु कुमारी ने इस परिवार का ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। अनु ने यूपीएससी परीक्षा में 2 रैंक हासिल किया है। रोजाना 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इस सफलता को हासिल करने वाली अनु ने अपनी इस कामयाबी का सहरा अपने माता पिता के सिर पर बांधा है। मेरा 9 का वर्क एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद मैंने पिछले 1.5 से जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रखी थी, तो थैंकफुली भगवान की कृपा से मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में निकल गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने थोड़ा ही टाइम लगाया था, तो वो मेरा 1 से प्री मिस हो गया था। और मैं मैरिड हूँ, मेरा 4 का बेटा है। अनु कुमारी ने अपने स्कूल की पढ़ाई सोनीपत, ग्रेजुएशन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से और एमबीए की पढ़ाई नागपुर IMT से की है, और वो 9 तक एक प्राइवेट कंपनी में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आप सभी को यही एडवाइस रहेगा, जब भी आप अपने मन में ठान लें कि आपको ये करना है, तो प्लीज़ अपने एम से आप डाइवर्ट मत होइएगा। अपना कॉन्टीन्यूअस फोकस रखिए एम पे। आपने जिस जज्बे के साथ शुरुआत की थी, उसे कॉन्टीन्यूअसली आप कैरी ऑन करते रहिए। परसिस्टेंस इज़ द की टू सक्सेस। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में आई वुड से कि इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर स्मार्ट वर्क एंड ऑफ योर परसिवरेंस। आप एक बार जब लगते हैं तो उसी जज्बे के साथ, उसी मेहनत के साथ आप कंटिन्यू करते रहिए, एंड सूनर और लेटर सक्सेस विल बी योर्स। वहीं अनु की सफलता पर अनु के पिता बलजीत सिंह का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया। पिता के मुताबिक अनु बचपन से ही शिक्षा में अव्वल रही है, और आज उसको अपनी मेहनत का फल भी मिल गया है। इसने उसी में रहते रहते मई के महीने में वो एग्जाम दे दिया, और उसके साथ साथ सर्विस पर लगे लगे इसने फर्स्ट में ही तैयारी की नहीं थी, IAS का आ गया, जिसको टेस्ट बोलते हैं, उसमें इसने भर दिया। कहना पापा जी ये मैं कर लो, मैं कर लो, मुझे दे दो, क्या दिक्कत है, आपको पता लग जाएगा क्या था क्या नहीं। उसमें फिर CG उसमें IAS के में 1 से रह गई। उसके बाद फिर इसका दिमाग पलट गया, पापा जी मैं तो नौकरी छू, मैं तो IAS की तैयारी करूँ। मैं ठीक है बेटा, मुझे कोई इतराज नहीं, आपको कोई ऑब्जेक्शन ना मानो। तो मैंने इसका हौसला बढ़ाया, इसने 31 को नौकरी छोड़ी, तो उसके बाद फिर इसमें जुट। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। बता दें कि अनु शादीशुदा हैं और उनका एक 4 का बेटा भी, लेकिन अनु का IAS बनने का सपना भी उनकी राह में नहीं आ पाया, और अपने परिवार और ससुराल से मिले सहयोग की बदौलत ही अनु ने ये मुकाम हासिल किया। कविता किट्टू, टोटल न्यूज, सोनीपत। और वहीं यूपीएससी की परीक्षा में सिरसा के रहने वाले सचिन गुप्ता ने देश में 3रा स्थान हासिल किया। सचिन की इस कामयाबी को लेकर परिवार और सिरसा शहरवासी काफी खुश हैं। सचिन गुप्ता का ये 2रा मौका था जिसमें उनको ये कामयाबी हाथ लगी। सिरसा के इस परिवार की खुशियां आज 7वें आसमान पर हैं। हो भी क्यों ना, आज इस परिवार के लाल ने इनका सर गर्व से ऊंचा जो कर दिया। इस परिवार के बेटे सचिन गुप्ता ने यूपीएससी में 3रा स्थान पाकर परिवार का नाम रोशन किया है। सचिन की इस कामयाबी को लेकर परिवार और सिरसा के लोग काफी खुश हैं। परिवार के लोग मिठाई बांटकर और पटाखे बजाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में डाल दी। मेरे सब रिश्तेदारों की, नियर डियर की खूब इच्छाएँ थी कि बेटे का इस बार क्लियर होगा, और भगवान ने सबकी इच्छाएँ पूरी की। लास्ट ईयर भी उन्होंने अटैम्प्ट क्लियर कर लिया था, 575 अंक आया उसका। उसके मुताबिक कॉर्पोरेट मिला, उसमें उसने ज्वाइन कर लिया। 3 के बीच में छुट्टी लेकर फिर उसने दोबारा एग्ज़ाम दिया। अब इस एग्ज़ाम में फिर कल रिजल्ट आ गया। भगवान ने ऐसा तोहफा दिया कि हम उसके धन्यवादी हैं, उसके कोचिंग देने वाले के धन्यवादी। सचिन गुप्ता के पिता और माँ बेटे की खुशी पर भगवान को हजारों बार शुक्रिया अदा कर चुके हैं। वही पिता के मुताबिक उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। सचिन का पहला फ़ोन आया, मेरे को बहुत बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका 3rd रैंक आ गया, तो मैं बार बार उससे पूछ रही थी, बेटा 3rd रैंक,
तीन रैंक के तो हाँ मामा तीन रैंक आया मेरा, मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। वो भगवान का लख शुक्र करते हैं दाते ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। मैं तो कहती हूँ देश के लिए बहुत सेवा करे। वही सचिन की बहन साक्षी गर्ग भी भाई की इस कामयाबी से काफी खुश हैं। वहीं भाई जितेंद्र को भी अपने भाई पर पूरा विश्वास था कि वो टॉप 10 में जरूर आएगा। को उस पे विश्वास तो हमें पहले ही था कि वो अच्छा रैंक लेकर आएगा, टॉप 10 में आएगा वो। और सुनने के बाद जब थर्ड रैंक आया तो सभी किसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, सभी बहुत बहुत खुश थे। उसने जो अचीवमेंट ली है बहुत खुश थे सभी। और मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, मैंने दोबारा फिर बड़े भैया से फ़ोन करके पूछा कि ये सच्चा है। सच में मन में इतनी ज़्यादा खुशी थी कि बता नहीं सकती थी किसी को भी। और ऐसे ही है, मैं कह रही हूँ कि हमारे परिवार के लिए ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और बच्चों के लिए भी ये है कि हाँ बच्चे भी सोचें कि हाँ हमारे चाचू मामू जो भी है वो हमारा इतना बड़ा ऑफिसर है, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें और आगे बढ़ें। सचिन गुप्ता ने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी है। फिलहाल सचिन गुप्ता दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। पिछली परीक्षा में सचिन गुप्ता 575वीं रैंक पर थे और इस बार उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते तीसरा रैंक हासिल किया है और उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प या शॉर्टकट नहीं है। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।